नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर रैपिड एक्शन फोर्स और जिला पुलिस बल के संयुक्त नेतृत्व में उपराजधानी दुमका के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च का नेतृत्व एसडीपीओ सदर मोहम्मद नूर मुस्तफा ने किया। फ्लैग मार्च नगर थाना परिसर से निकलकर शहर के 3 बाजार होते हुए पंचायत क्षेत्र दुधानी रसिकपुर होते हुए वापस थाना परिसर पहुंची। इस अवसर पर जमशेदपुर आईएफ 106 बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट अनुप सिंह ने बताया कि पूर्वाभ्यास होता है जो आईएफ का कार्य क्षेत्र है। संवेदनशील जिले में 1 सप्ताह तक परिचयात्मक अभ्यास होता है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन से मिलकर संवेदनशील इलाकों में उपस्थिति दर्ज कराते हैं। स्कूलों और अन्य संस्थानों और जिलों में रैफ के छवि से अवगत कराते हैं। रैफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF का अभिन्न अंग है। इसी संदर्भ में दुमका जिले के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। फ्लैग मार्च 18 से 25 अप्रैल तक लगातार निकाला जाएगा। इस अवसर पर SDPO सदर मोहम्मद नूर मुस्तफा ने बताया कि रैफ के बटालियन 24 अप्रैल तक संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकालेगी। शहर और ग्रामीण क्षेत्र में शांति व्यवस्था को लेकर फ्लैग मार्च निकाला जाएगा, जिससे दुमका जैसे शांत इलाकों में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे। अभी जो है कि रेफ के हमारी बटालियन जमशेदपुर से आई हुई है, वो 24 तारीख तक, आज से लेकर के 24 तारीख तक एक अभ्यास है 1 सप्ताह का यहाँ पे। और जो भी थोड़ा बहुत संवेदनशील है उन जगहों पे भी मूव करना है फ्लैग मार्च की तरह। उसी के आलोक में हम लोग आज एक फ्लैग मार्च रखे हैं, जो टाउन होते हुए रसिकपुर होते हुए फिर हम लोग उसको भ्रमणशील रहेंगे। और शांति व्यवस्था के लिए एक संदेश भी है कि दुमका जैसे शांतिप्रिय जगह है, उसी तरह शांति बहाल रखे। और किसी भी खास और अप्रिय घटना से बचे, ताकि सामाजिक सौहार्द बना रहे। साथ ही हम लोगों का फेमराइजेशन एक्सरसाइज है, एक अभ्यास होता है जो कि RAF के जितना भी कार्य क्षेत्र है उन सभी जिलों में जो संवेदनशील जिला होते हैं उनमें जाके हम लोग 1 सप्ताह का परिचयात्मक अभ्यास करते हैं। उसमें हम लोग स्टेट की अथॉरिटी से मिलते हैं, डिस्ट्रिक्ट की अथॉरिटी से मिलते हैं, फ्लैग मार्च करते हैं। जो भी संवेदनशील इलाके हैं उन इलाकों में जाके अपना उपस्थिति दर्ज कराते हैं। साथ ही स्कूलों में और अलग अलग जगहों पर जाके बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि RAF की जो छवि है उसके बारे में लोगों को पता चले। RAF CRPF का ही एक पार्ट है। और इसी के संदर्भ में अभी हम लोग जो है दुमका जिला में आए हुए हैं और अभी फ़िलहाल जो है संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च करेंगे। हमारा अभ्यास जो है 18 तारीख से लेकर 25 तारीख तक चलेगा, उसके बाद हमारी वापसी है। 106 RAF जमशेदपुर में स्थित है, हम लोग अभी जमशेदपुर से आए हैं। वी टाइम न्यूज़ के लिए दुमका से नीरज सिंह की रिपोर्ट।